हार्मोन्स के केस की बात कर रहे हैं तो ग्रोथ हार्मोन्स को एक सोमेटोट्रोपिन हार्मोन से भी बोला जाता है, और जो हमारी एंटेरियर पिट्यूटरी है, इस एंटेरियर पिट्यूटरी के दो ग्रुप्स होते हैं, एक होता है दो सेल्स होते हैं, एक एसिडोफिल सेल और एक बेसोफिल सेल। तो जो एसिडोफिल सेल होता है एक उसका एक स्पेशल ग्रुप होता है और वो और कोई नहीं, वो एक ग्रोथ हार्मोन्स है, दैट कैन बी सोमेटोट्रोपिन हार्मोन्स। नेक्स्ट पॉइंट अपन पढ़ते हैं कि जो ग्रोथ हार्मोन्स है ये इसका प्रोडक्शन कैसे होता है। जब बहुत सारे तरह के जो फैक्टर है जैसे स्लीप हुआ, स्ट्रेस हुआ, और जैसे पेन है, कोल्ड है, सर्जरी है, और एक्सरसाइज, फूड इनटेक एक्सेट्रा, जब इन सारे फैक्टर का इन्फ्लुएंस पड़ता है जिसकी वजह से ग्रोथ हार्मोन्स का प्रोडक्शन होता है, करेक्ट। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं कि अगर कोई भी किसी भी तरह का, अगर जब अपन सोते हैं तो उस समय सोने के बाद जो ग्रोथ हार्मोन्स है उसका प्रोडक्शन होना स्टार्ट हो जाता है। और इसलिए एक कहावत है कि यदि अपन सोते नहीं हैं तो जो ग्रोथ हार्मोन्स है वो विकसित नहीं होते। तो इसके लिए एक लाइन लिखी गई है, द एडवाइस इफ़ यू डोंट नॉट स्लीप यू वॉन्ट अ ग्रोथ। कहावत ये है कि अगर आप सोते नहीं हैं तो आप विकसित नहीं हो पाएंगे, करेक्ट। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट है कि जैसे हाइपोथैलेमस की बात कर रहे हैं, तो हाइपोथैलेमस हैं ये बहुत सारे तरह के फैक्टर हैं, इन पे इफ़ेक्ट करता है, ये फीडबैक करता है, जैसे थायराइड रिलीजिंग हार्मोन्स है, गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन्स, और ग्रोथ रिलीजिंग हार्मोन्स हैं, ग्रोथ रिलीजिंग इनहिबिटरी हार्मोन्स है, और प्रोलैक्टिन रिलीजिंग इनहिबिटरी हार्मोन्स है। ये जो सारे के सारे जो हार्मोन्स है इनका इफेक्ट एक एंटेरियर पिट्यूटरी पे पड़ता है। और फिर अपन बोलते हैं कि जो एंटेरियर पिट्यूटरी है ये इफेक्ट करती है कोई भी किसी भी तरह का थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स है, एडेनोकोर्टिकोइड थायराइड हार्मोन्स है, LH हार्मोन्स है, लुटिनाइजिंग हार्मोन्स है, फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स है, ग्रोथ हार्मोन्स है, और प्रोलैक्टिन हार्मोन्स है, करेक्ट। और उसी प्रकार और उसी तरह है पोस्टेरियर पिट्यूटरी, ये भी इसका जो फीडबैक पड़ता है वो ADH एंटी डायुरेटिक हार्मोन्स और ऑक्सीटोसिन हार्मोन्स पे इफेक्ट पड़ता है। फिर उसके बाद में जो थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स है ये थायराइड ग्लैंड को सेक्रेट करता है, एडेनोकोर्टिकोइड हार्मोन्स एडेनल कॉर्टेक्स से रिलीज होता है, लुटिनाइजिंग हार्मोन्स और FSH हार्मोन्स है ये दोनों के दोनों ओवरी और टेस्टिस से प्रोडक्शन होता है, और जो ग्रोथ हार्मोन्स है इसके दो कंडीशंस है। अगर डायरेक्टली अगर बात की जाए तो ये इसका जो टारगेट ऑर्गन है वो बोन है, अगर इनडायरेक्टली केस की बात की जाए तो वो लिवर है, करेक्ट। फिर उसके बाद में जो थायराइड हार्मोन्स है दो तरह के हैं, ट्राई आइडो थायराइड हार्मोन्स, टेट्रा आइडो थायराइड हार्मोन्स। और जो ट्राई आइडो जो T3 है ये 4 times मोर एक्टिव होता है T4 से, इसलिए जो बायोलॉजिकली एक्टिव फॉर्म होता है वो T3 होता है, और जो T3 है ये इसका जो फंक्शन है वो भी ज़्यादा 4 times ज़्यादा रहेगा T4 से। और एडिनल कॉर्टेक्स है ये एक हार्मोन्स रिलीज करता है, दैट कैन बी एडेनोकोर्टिकोइड हार्मोन्स। और जो ओवरी और टेस्टिस की अगर बात की जाए तो ओवरीज दो हार्मोन्स प्रोड्यूस करती है, एक एस्ट्रोजन हार्मोन्स और एक प्रोजेस्टेरोन हार्मोन्स। और उसी प्रकार और उसी तरह जो टेस्टिस हैं वो एंड्रोजन हार्मोन्स का प्रोडक्शन करती है, और जो हमारी लिवर है वो सोमेटोमेडियंस हार्मोन्स सेक्रेट करती है। उसके बाद में नेक्स्ट अपन पढ़ते हैं कि जो थायराइड हार्मोन्स हैं और एडिनल कॉर्टेक्स के जो हार्मोन्स हैं, एडिनोकोर्टिकोइड स्टेरॉइड हार्मोन्स, इन दोनों का जो टारगेट ऑर्गन है वो हमारे लिवर है, हमारा मसल्स है और हमारा हर्ट है, और बहुत सारे टारगेट ऑर्गन है बट मेन लिवर है, मसल्स है और हर्ट है। एस्ट्रोजन की अगर बात की जाए और एंड्रोजन हार्मोन्स की बात की जाए और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन्स की बात की जाए, इनका जो टारगेट ऑर्गन है वो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। सोमेटोमेडिन का जो टारगेट ऑर्गन है वो हमारे बोन्स हैं। उसी प्रकार और उसी तरह प्रोलैक्टिन है, इसका जो टारगेट ऑर्गन है वो हमारी मेमोरी ग्लैंड है। और पोस्टेरियर पिट्यूटरी दो तरह के हार्मोन सेक्रेट करती है, एक एंटी डायुरेटिक हार्मोन्स और ऑक्सीटोसिन। एंटी डायुरेटिक हार्मोन्स है ये वाटर रीअब्जॉर्प्शन करता है, और जो ऑक्सीटोसिन है ये स्ट्रॉन्ग यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन करता है ड्यूरिंग डिलीवरी ऑफ बेबी के समय। तो ये जो सारा का सारा एक हार्मोनल हायरशिप है और उसका रिलेशन है, हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी है उसका रिलेशन है एंडोक्राइन ग्लैंड के अंदर। अब बात करेंगे कि बायोकेमिकल फंक्शन की बात की जाएगी। बायोकेमिकल फंक्शन के केस की बात कर रहे थे, तो जो ग्रोथ हार्मोन्स है सोमेटोट्रोपिन हार्मोन्स है ये प्रमोट करता है ग्रोथ, और दूसरी नॉर्मल मेटाबोलाइज करता है।
नॉर्मल मेटाबोलाइज का मतलब यह है प्रोटीन्स कार्बोहाइड्रेट लिपिड्स और मिनरल्स ऑफ अ बॉडी उनको मेटाबोलाइज करता है। सबसे पहले अपन बात करेंगे कि ग्रोथ को प्रमोट करता है कैसे। इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर है और अपन ने पहले पढ़ा था वहाँ पे एक सोमेटोमेडियंस के अंदर कि जो हमारी जो लिवर है वो दो तरह के ग्रोथ फैक्टर प्रोड्यूस करती है, एक इंसुलिन ग्रोथ फैक्टर फर्स्ट और इंसुलिन ग्रोथ फैक्टर सेकंड। जो इंसुलिन ग्रोथ फैक्टर फर्स्ट है इसको सोमेटोमेडिसिन सी बोला जाता है। सेकंड अपन बात करते हैं इफेक्ट ऑफ प्रोटीन मेटाबोलिज, और ये प्रोटीन मेटाबोलिज क्या करता है कि एक एनाबोलिक इफेक्ट करता है और पॉजिटिव नाइट्रोजन बैलेंस को बैलेंस करके रखता है, नाइट्रोजन बैलेंस को पॉजिटिव। उसके बाद में इफेक्ट ऑफ कार्बोहाइड्रेट की बात की जाए तो जिसकी वजह से हाइपरग्लाइसीमिया हो जाता है और जो ग्लूकोज का लेवल है वो बढ़ जाता है। और इफेक्ट ऑफ लिपिड मेटाबोलिज की बात की जाए वो प्रमोट करता है एक लिपोलाइसिस, करेक्ट। और लिपोलाइसिस अपन ने वहाँ पे भी पढ़ा था कि जब अपन एपिनेफ्रिन और नॉन एपिनेफ्रिन पढ़ते हैं तो जब एपिनेफ्रिन है ये क्या करता है कि लिपोलाइसिस करता है एक एडिपोज टिश्यू के अंदर और ग्लाइकोजिनोलाइसिस करता है हमारे लिवर और मसल्स के अंदर, जबकि नॉन एपिनेफ्रिन है ये नॉन एपिनेफ्रिन लिपोलाइसिस करता है एक एडिपोज टिश्यू के अंदर। फिर नेक्स्ट अपन पढ़ रहे हैं कि इफेक्ट ऑफ मिनरल मेटाबोलिज्म की बात की जाए तो ये कोई भी किसी भी तरह की जो बोन मिनरलाइजेशन होता है उसको प्रमोट करता है। अब नेक्स्ट अपन पढ़ेंगे फाइनली कि अगर ग्रोथ हार्मोन्स की डिफिशियंसी हो जाए, एबनॉर्मलिटी हो जाए, जिसके कारण क्या होता है। दो कारण हैं कि या तो ग्रोथ हार्मोन्स का ज़्यादा प्रोडक्शन हो जाए या ग्रोथ हार्मोन्स की कमी हो जाए। अगर मान लो कि ग्रोथ हार्मोन्स की डिफिशियंसी हो जाती है, कमी हो जाती है, जिसकी वजह से ड्वार्फनेस हो जाता है, बोनापन आ जाता है, ग्रोथ नहीं हो पाती, और अगर ज़्यादा प्रोडक्शन हो जाता है तो अडल्ट के अंदर और चाइल्ड के अंदर दो अलग अलग तरह के सिम्टम्स हैं, डिसऑर्डर है। अडल्ट के केस के अंदर जिंजेंटियम कंडीशंस हो जाती है और बच्चों के केस की बात की जाए एक्रोमगलाइली कंडीशंस हो जाती है जनरली। थैंक यू।